अवांछित जीन का बिलगम, जो वांछित जीन बिलगम जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रियाविद के द्वारा हम डीएनए को अलग कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए हमें निम्नलिखित स्टेप में आना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है आपके कोष का जीनोम एवं उसके डीएनए को अलग करना। इसमें यह सबसे पहले जिस जीव के किसी जीन को उत्पाद को बढ़ाना होता है उसकी कोशिका का लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से या अन्य विधि से उसको विघटित कर देते हैं। फिर अपकेंद्रण मशीन द्वारा अपघटित कोशिका के तरल से कोशिका के डीएनए को हम पृथक कर लेते हैं। तो ये हम बैक्टीरियल सेल ले लेंगे। बैक्टीरियल सेल का जो आपके सेल वॉल होगा वह लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से इसको हम नष्ट कर देंगे और नष्ट करने के उपरांत हमारा जो प्लांट है वो प्लांट बचेगा। फिर से आपके डीएनए होगा वह डीएनए बचेगा और उसमें पाचन वाला मानिए कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट है, लाइपेज है, ये सब आरएनए ये सब इसमें रहेंगे। इसको क्या करेंगे एक हम टेस्ट ट्यूब की सहायता से इसको लिपिड को पूरा हम उसमें रख लेंगे और रखने के उपरांत हमें क्योंकि डीएनए प्राप्त करना है तो डीएनए प्राप्त करने के लिए हम एंजाइम की सहायता से वह जैसे आरएनए है वह रिबोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से उसको हम नष्ट करेंगे। फिर से जो आपके प्रोटीन है वह आपके प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से उसको नष्ट करेंगे और कार्बोहाइड्रेट आपके कार्बोहाइड्रेट एंजाइम की सहायता से हम इसको नष्ट करेंगे। उसके बाद हमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा ये सभी ट्यूब रहेंगे वह ट्यूब में रखेंगे और रखने के उपरांत उसको जब वो बहुत तेजी के साथ गत करेगा तो हमें क्या होगा जो आपके अवांछनीय वांछित जो डीएनए है वह डीएनए हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट डीएनए का विलोम पदों में विघटन, इसमें जो दूसरा स्टेप होता है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज एंजाइम की सहायता से जो अपकेंद्रण द्वारा प्राप्त डीएनए होता है उनके अणु को छोटे छोटे भागों में हम विखंडित कर देते हैं। अब प्रत्येक जीव के प्रत्येक अणु में कई छोटे छोटे खंड होते हैं जिसमें ये जो नाइट्रोजन छाप के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह डीएनए के दोनों सूत्रों पर विरोधी दिशा में समान होते हैं। अर्थात उदाहरण आप देख सकते हैं कि यदि डीएनए में 5-3 सूत्र पर जो नाइट्रोजन छाप का जो अनुक्रम होता है वह जी ए ए टी टी सी है तो 3 और 5 सूत्र पर भी उसके विपरीत आपके सी डबल टी डबल ए जी होता है। जैसे जो आप कहिए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वह हम इसी को हम पॉलीड्रोम कहते हैं। जैसे मलयालम का उल्टा भी आप रखेंगे तो वही शब्द आएगा।
पे सिरे खाते हैं। इसमें जो डीएनए अणु के ऐसे खंड को ही हम पॉलीड्रोम कहते हैं या एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम केवल खंडों को पहचानते हैं और डीएनए के अणु को विखंडित कर देते हैं। इसमें डीएनए टुकड़ों का पृथक करना। तीसरे स्टेज में यह होता है कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से काटे गए डीएनए टुकड़े को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा हम अलग करते हैं। जैसे ये आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके मशीन होता है जिसमें आपके एनोड और आपके कैथोड होते हैं। इसमें डीएनए क्या करते हैं कि हम तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। इसमें आपके लिए एक जेल होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डीएनए में पर जो चार्ज होता है वो आपके माइनस चार्ज होता है, इसलिए डीएनए अंत में आपके एनोड की तरफ वो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भी आपके मैट्रिक्स होता है जो जिसमें आपके विद्युत क्षेत्र के कारण एनोड की ओर ही बढ़ेंगे। समानता मैट्रिक्स एक लाख समुद्री सेवा का उत्पाद एगरोज होता है जो डीएनए के टुकड़े अपने आकार के अनुसार एगरोज जेल में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार पृथक किए गए डीएनए का उपयोग किसी वाहक डीएनए के साथ जोड़कर पूर्ण संयोजित डीएनए बनाने में किया जाता है। उसके बाद होता है आपके डीएनए आरएनए संकरण का निर्माण। जैसे आपके मैसेंजर आरएनए और जो आपके डीएनए वाहक डीएनए होते हैं उससे हम डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं। इसमें इस चरण में जो आपके चौथा चरण होता है डीएनए के अणुओं के खंडों के मिश्रण में से उस खंड को पृथक किया जाता है जिसमें वांछित जीन होते हैं। इसके लिए पहले क्षारों द्वारा या उच्च तार द्वारा डीएनए खंडों को विकृतकरण कर देते हैं तथा ये जो दोनों डीएनए के खंड होते हैं वह पॉलीमर व आपके पृथक हो जाते हैं। अब वांछित जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाले मैसेंजर आर को प्राप्त करके एक सूत्री डीएनए के मिश्रण को मिला देते हैं जिसके द्वारा आपके डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाता है। और लास्ट होता है आपके सामान द्विसूत्री डीएनए खंड का संश्लेषण। पांचवें स्टेज में हमारा जो डीएनए आरएनए सम्मिश्रण वाले खंड को एक सूत्री डीएनए मिश्रण से पृथक कर देते हैं। तत्पश्चात सम्मिश्रण के मैसेंजर आर को भी हम पृथक करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए का साचा सूत्र पर संपूरक सूत्र का संश्लेषण कराकर इसे समान द्विसूत्री डीएनए खंड में बदल देते हैं। यहाँ पर दूसरा है आपके पार डीएनए अणु का चयन जो आपके वांछित जीन होता है को किसी अन्य जीव के डीएनए अणु से जोड़कर हम पूर्ण संयोजित डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। ये जो वाहक डीएनए अणु के रूप में प्लाज्मिड तथा जीवाणु के
बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए अणु का उपयोग करते हैं, जो भी हमारा वाहक का चयन करना होता है तो इसमें सबसे पहले हम उसके माप में छोटा लेते हैं और इनके एंडोनिक एंजाइम की क्रिया के लिए कहीं पर वैसे ही पॉलीट्रोम होना चाहिए जैसा कि पॉलीट्रोम पर दाता जीव के डीएनए अणु का विखंडन हुआ हो। इसमें वांछनीय जीन को अपने निवेश के कर लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिसके द्वारा हमारा पूर्ण संयोजित डीएनए का निर्माण हो सकता है। तीसरे तरह का है आपके वांछनीय जीन का वाहक की जीन से जोड़कर पूर्ण संयोजित डीएनए अणु का निर्माण। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से पॉलीट्रोम पर अभिक्रिया करके उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें फर्स्ट में यह होता है कि इस एंजाइम से पॉलीट्रोम पर डीएनए अणु को एक ही स्थान पर हम काटते हैं। दूसरे में क्या होता है, इसकी सहायता से हम अलग अलग स्थान पर अलग अलग बिंदुओं पर हम पॉलीट्रोम उसमें एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से उसको काटते हैं, और जिससे जो पृथक जो हमारा खंड होता है वह पृथक खंड हम हाइड्रोजन बांड के द्वारा वह आपके परस्पर जोड़ लेते हैं, जिसके द्वारा पूर्ण संयोजित डीएनए का निर्माण होता है। ये चौथा है कि पूर्ण संयोजित डीएनए अणु का पूंजीकरण। इसमें जो पूर्ण संयोजित डीएनए अणु का त्रिद्विगुणन होता है और द्विगुणन होने से अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त होती हैं। जो प्रतिलिपि हम प्राप्त करते हैं वही आपके पूंजीकरण होता है। जैसे यहां देखिए आपके रिकॉम्बिनेंट आपके प्लाज्मिड है, ये आपके ई कोलाई का बैक्टीरियल सेल है, इसमें आपके क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, द्विगुणन की क्षमता इसमें होता है, जिसके कारण ये अनेक प्रकार के आपके प्रतिलिपि का निर्माण करते हैं। तो ये है आपके पूर्ण संयोजित डीएनए अणु का पूंजीकरण। थैंक यू।